सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटा, आप सभी को दशहरा विजयादशमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटे, हमने पिछले वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। इसका मैंने पहले आपको चैप्टर, ये चैप्टर हमने पहले कर लिया था, इसका रिविजन मैं आपको करवा रही हूँ। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें हमने सर्वनाम की परिभाषा और इसके छह भेद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्न देखिए, जरा सोचिए और बताइए सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर देखिए, सर्वनाम के प्रयोग से भाषा स्पष्ट और वह सुंदर बन जाती है, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूरज अपने आप स्कूल जाता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बेटे, इस वाक्य में अपने आप आया है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न एक देखिए, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। इसमें आपको सर्वनाम की परिभाषा, ये परिभाषा आपको लिखनी है, आपका एक बार फिर से का पहला पॉइंट। सेकंड प्रश्न है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसमें आप लिखेंगे सर्वनाम के छह भेद होते हैं, ये छह भेदों के नाम, और अगर आप इन छह भेदों के एक एक उदाहरण आप इसमें लिखेंगे। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण आप लिखेंगे। उसके पश्चात निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक की ये उदाहरण आप लिख लेंगे, या ये वाला उदाहरण आप लिख लेंगे, कोई भी, है ना। शॉर्ट शब्दों वाले लिख रहे हैं तो शब्दों वाला लिखेंगे सारे, और अगर सेंटेंस वाइज लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे, सभी के एक एक उदाहरण आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण आप लिखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसमें आपको निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और एक उदाहरण, ये उदाहरण आपको जैसे, तो ये उदाहरण आपको लिखनी है। ये आपके गैर प्रश्न का उत्तर है, ठीक है बेटे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दो, सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपका नाम क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो, वह मेरी नानी है। तो ये सर्वनाम शब्द आपको दिए हुए हैं, ये आपको जगह पे फील करने हैं। सही शब्द पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। संज्ञा की तरह सर्वनामों के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं, सही। कुछ संबंधवाचक सर्वनाम है, गलत। कुछ में कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु की जानकारी नहीं देते, गलत। निश्चित वस्तु की जानकारी ही देते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम उत्तर देने के काम आता है, गलत। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। पिताजी किससे बात कर रहे हैं, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, किससे, और भेद कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए, इसमें मैंने, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं बाजार जाकर फल ले आऊंगी, इसमें स्वयं निजवाचक सर्वनाम। हम सब मिलकर एक ड्रामा करेंगे, हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। गमले में किसने फूल तोड़ लिया, किसने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। ये आपका पांचवा प्रश्न है। माताजी ने रमेश से कहा, रमेश की किताब लाओ। तो इसका हम यहाँ पे संज्ञा शब्दों की जगह हमें क्या करना है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। माताजी ने रमेश से कहा, रमेश अपनी किताब लाओ। ऐसे ही दूसरा है आपका, रिया ने प्रिया के जन्मदिन पर उसे उपहार दिया। सरिता अच्छा गाना गाती है, वह गायिका है। कमल बारिश में भीग गया, उसके कपड़े भीग गए। क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं बेटे, इसलिए क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, का नहीं है,
पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा नहीं है, वह। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्वयं। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ। तुम कल किससे बात कर रहे थे, किससे। आज रीता विद्यालय नहीं गई, उसकी तबीयत खराब थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बेटे इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके प्रश्न उत्तर हमारे पूरे हो गए हैं। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं और ये मौखिक और लिखित प्रश्न हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं बेटे, तब तक के लिए बाय बाय। आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है क्योंकि मैं इसका जल्दी ही इसका टेस्ट मैं लूंगी। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।